अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो ये देखिए, मैंने मज़ेदार सा अचार गोश्त बनाया है। दोपहर का टाइम हो रहा है, भूख लग रही है, तो मैंने बाहर से ही नान मंगवा लिया। गर्मी बहुत और लग रही थी मुझे, तो इतना ज़्यादा खा रहा है माशाल्लाह से। सब्सक्राइब करें हमें, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस ये देखें, यहाँ अचार गोश्त मैंने बनाया, बड़ा मज़ेदार है। बड़ी बड़ी मिर्ची डाली है मैंने, आज बहुत दिन बाद बनाया है, मज़ेदार सा बना। तो हम खाते हैं खाना, तो जिसने खाना है आप लोग भी आ जाए। तो हम लोग खा रहे हैं अब खाना। देखें अरहम भी उठ के आ चुका है, ये देखें अरहम के पापा को भी मैं उठाती हूँ। अरहम को नान का टुकड़ा दो दफ़ा, ये तो बकर सारन की खाता है माशाल्लाह से। और अरहम के पापा अभी सो रहे हैं तो मैं उनको उठाती हूँ, तो अभी देखो क्या रिएक्शन होता है उनका। देखो सालन पे गिर जाएगा भाई, भाई तो जी के पापा उठ जाएं। खाना तैयार हो गया, हम लोग खाना खा रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं छोटी छोटी वीडियो डालती हूँ, आप प्लीज़ वॉच कर लिया करें, फुल वॉच करा करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें मुझे। लाल कलर का बटन है उसके ऊपर टच कर दिया करें, कुछ भी नहीं जाता और हमारी बस मदद हो जाएगी। तो प्लीज़ हम लोग दुआ करते हैं आप लोग के, सबके लिए दुआ करती हूँ मैं कि अल्लाह पाक जो जो यूट्यूबर हैं उन सबकी जल्दी जल्दी से उनका मोनो हो जाए, चैनल मोनो हो जाए। तो हमारी यूट्यूब की फैमिली भी है और ग्रुप है हमारा NJYT सिस्टर का, तो उन सब के लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको कामयाब कर दे और जो है ना हम लोग जल्दी से जल्दी हमारा चैनल मोनो हो जाए तो और ख़ुशी मिलेगी हमें। तो ज़ैफ़ा खाना स्टार्ट कर दिया है, तो हम लोग भी खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए तो गाइस दोपहर में मैंने बनाया था अचार गोश्त और हम लोगों ने खाना खा भी लिया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मीठा बना लो, तो दिल कर रहा था तो मैंने शीर खोरमा बनाया है थोड़ा सा। तो ये दूध उबॉयल हो चुका है, तो मैं इसमें डालती हूँ चीनी। तो गाइस आपके सामने मैं जा डाल रही हूँ चीनी इसके अंदर और थोड़ी सी और डालूँगी। ये देखिए मैंने चीनी डाल दी है, अब जब तक दूध बॉयल हो रहा है तो मैं बादाम पिस्ते काट लेती हूँ। तो ये देखें गाइस चीनी हो गई थी, तो मैंने इसमें सेवियाँ डाल दी हैं। मैं सेवियाँ रोस्ट करके नहीं डालती, ऐसे ही बस देख के और तोड़ के और ऐसे ही डाल देती हूँ, मज़ेदार लगती हैं। तो देखिए दूध का जो है ना थोड़ा थोड़ा घी ना ऊपर आ गया, तो अभी मैं थोड़ा सा और इसको पकाऊंगी, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, फिर मैं डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसी में थोड़े से मैं बादाम भी डाल दूँगी, थोड़े से बादाम पिस्ते। देखिए शक्ल कितनी प्यारी आई है इसकी ना। ईद पे बनाया था तो मेहमान आ गए थे, मेहमान के यहाँ चाचा हमारे मोहल्ले के ही हैं, तो वो आ गए थे, तो दो कटोरी इब्राहिम ने खाए थे, फिर हमने खाए थे, ख़त्म हो गया था। फिर मैंने सोचा चलो दोबारा बना लूँ मैं आज, से भी कोई आता जाता तो है ही नहीं हमारे यहाँ ना, हमारा घर है, मेरा मैका वैसे भी इतनी दूर है, कराची में है, बच्चों को बस उधर ले गए और वहाँ ले गए तो जू। आज का तीसरा दिन तो ऐसे ही घर में गुजरा, तो आज मेरी सालगिरह भी है, तो बर्थडे वर्डे क्या मनाना। हरम की इतनी तबीयत ख़राब है, हरम को मोशन लगे हुए हैं, सुबह से ये हाल हो गया,
गर्मी की वजह से उसको मोशन लग गए हैं। तो ये पक चुका है, तो मैं इसको डिश आउट करके ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने डिश आउट कर लिया है, तो जो है ना क्या कहते हैं, अभी मैं ठंडा करूँगी फ्रीजर में, तो फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे मेरी। प्लीज़ मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।